एक और कॉलर हैं, पंजाब से हैं, वीरेंद्र उनका नाम है। जी वीरेंद्र, बताएं आपको क्या परेशानी है और उम्र भी आप अपनी बताएं। हकीम साहब नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र है, मेरी उम्र 53 साल है। जी मैंने आपके जो ये खाया, घुटनों में दर्द मेरा काफी ठीक रहा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि लास्ट आपका प्रोग्राम देखा था, आप बता रहे थे कि गोंद जो होती है वो उससे भी, क्या इस बीमारी में गोंद का इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा सवाल किया, आपको पूरा फायदा हो गया या अभी रह गया है? काफी फायदा है, मैं ये बोलूंगा कि 1 रुपये में 75 पैसे फायदा है। अच्छा देखिए, आप सबसे बेहतरीन दवा खा रहे हैं जोड़ों के दर्द की, नसों के दर्द की, और कुछ लोग ये चाहते हैं कि घरेलू नुस्खे जात से फ़ायदा हो जाए। तो गोंद जो मैंने आपको बताया, तो ये दर्द को ठीक करने के लिए अलग गोंद होता है, और जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया और शबनम ने भी कहा कि वो घरेलू नुस्खा, तो एक गोंद आता है, लेकिन वो गोंद जायके में इंतहाई कड़वा होता है। अभी मैं उसका जिक्र कर रहा था, अगर आप प्रोग्राम देख रहे थे तो इतना कड़वा होता है कि नीम तो कुछ भी कड़वा नहीं होता, और जितनी करेला जितना कड़वा होता है उससे भी 50 गुना कड़वा होता है, काला काले रंग का होता है और बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। ये गोंद आप ले सकते हैं, लेकिन नकली बहुत मिलता है और महंगा बहुत मिलता है। कोई भी नकली चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी, इसलिए मैं उसकी निशानी बता रहा हूँ। गोंद सियाह या काला गोंद कह सकते हैं, ये एक ऐसी लकड़ी में से निकलता है जो एक काला पेड़ होता है, और जिसकी कभी बांसुरी बनती थी। बांसुरी एक काले लकड़ी की बनती थी जिसे आबनूस कहते हैं, और तो उसका गोंद दुनिया में उसके मुकाबले का कोई दर्द निवारक दवा मुमकिन नहीं है। अच्छा, दर्द निवारक क्या मर्ज निवारक कहना चाहिए, क्योंकि ये दर्द को फ़ायदा नहीं करती, मर्ज को फ़ायदा करती, तब दर्द में फ़ायदा होता है। लेकिन इसकी खुराक बहुत ज़रा सी लेनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं तो इससे आपको परेशानी भी हो सकती है। ऐसे 100 ग्राम आप इसको ख़रीद लीजिए और इसका फिर पाउडर बनाइए। अच्छा, चखने में इतना कड़वा है कि ज़ुबान मुंह पूरा कड़वा हो जाएगा। तो इसका 0.5 ग्राम सुबह, 0.5 ग्राम दोपहर, 0.5 ग्राम शाम, वो भी खाने के बाद, दूध से लें तो बेहतर है, और अगर आप हेल्दी हैं तो ऐसे दूध से लीजिए जिसमें चर्बी ना हो, या जूस से लीजिए। अगर ये कोई शख्स खा ले काला गोंद जो कड़वा होता है, और महीना दो महीना भी खा ले, तो उसके रगें, उसके पट्टे, मस्कुलर, और उसके जोड़ों का दर्द, उसके डिस्क का दर्द, यानी हर जिस्म के हिस्से में, हर हिस्से की रिपेयर करता है ये, और इसे 2-3 महीने लगातार ले सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। चलिए वीरेंद्र जी, उम्मीद करते हैं कि आप इस पर गौर करेंगे, हकीम साहब ने जो चीज़ें आपको बताई हैं उसको आप अमल में लाएं, ज़िंदगी में अपनी शामिल करें और सेहतयाब रहें। दीपा तिवारी जो कि MP से हैं, हकीम साहब आपसे बात करना चाहती है, जैसे कि कॉलर की फहरिस्त लंबी होती जा रही है, तो दीपा जी बताएं आपका क्या, आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? हाँ मैडम जी, जी फरमाइए। हाँ जी सर, वो हमारे पैर में ऑपरेशन हुआ था, गिर गई थी मैं जी, तो रात पड़ी है, तो पैर की दिक्कत तो नहीं है, पर मेरे हाथ पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं और गैस बहुत बनती है। क्या उम्र है आपकी? आपको मैं पहले गिर गई थी आपके यहाँ से, पहले भी मैंने दवाई मंगाई थी हाथ पैर की, दर्द देती है ना से पूरी उंगली सब, तो मैंने पहले भी दवाई मंगाई थी, फिर मैं गिर गई तो मैंने वो दवा नहीं खाई, मगर अब फिर हमारे पैर में तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर हमको इस समय खूब ज्यादा गैस बनती है और पूरे हाथ पैर दुखते भी हैं, और कभी कभी ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे घबराहट टाइप की होगी, पसीना आने लगता, फिर अच्छा लगने लगता है। आप अपनी एज बताइए। हमारी एज है 54 साल की। अरे 54 साल की आपकी एज है, और आवाज है, आवाज 20-21 साल जी। खैर सलामत रहिए, और
देखिए हर मर्ज का इलाज है, पहले आपने दवा ली थी ठीक हो गए थे, अब वो दर्द भी नहीं है। अब कभी कभी होता है तो कोई आरजी दवा से काम चलाए, मुझे तो जब फ़ोन करें जब किसी दवा से फ़ायदा ना हो तो मुझसे नुस्खा पूछ लें या मेरी दवा ले लें। और एक दवा मैं आपको बता देता हूँ, मेथी, अलसी और गौंदसिया, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर यानी बराबर बराबर वज़न लेकर पाउडर बनाएं, 1 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और 1 ग्राम शाम खाएं, लगातार महीना 2 महीना, तो आपके हर जोड़ की रिपेयर होगी और आप बहुत जल्दी ठीक होना आपका मुमकिन है। जैसे कि दीपा जी ने बिना किसी के मशवरे के बीच में दवाई रोक दी, तो उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है कि आपको पहले बात करनी चाहिए, उसके बाद अगर आप दवाई बंद कर रहे हैं तो एक बार सलाह मशवरा कर लें। हाँ दरअसल अजीब सा है कि शबनम की जब मरीज़ और डॉक्टर का रिश्ता जी अजीब सा है कि जब आपका बच्चा या आपका कोई ख़ानदान का फ़र्द बीमार होगा तो आप आधी रात को उसको जाके उठा देंगे घर से, और जब उसका फ़ायदा हो जाएगा तो फिर अगर मैं सामने से भी निकल जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा। जी। तो ये अच्छा है कि अगर किसी के ज़ेरे इलाज हैं, आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो उसके मशवरे से इलाज रोकें, तो ये अमल मरीज़ के लिए अच्छा है। जी। तो अगर मशवरे से इलाज बंद करें तो आप आने वाले दूसरे ख़तरों से बच सकते हैं। बिल्कुल। एक और यहाँ कॉलर हैं जम्मू कश्मीर से, गुलशन जी। गुलशन बताएं क्या परेशानी है आपको, हकीम साहब मौजूद हैं, बात कर सकते हैं आप उनसे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला। जनाब मैं कश्मीर से बोल रही हूँ, मेरा नाम है गुलशन, मेरी बेटी है 32 ईयर्स ओल्ड जी, इसको आईबीएस की प्रॉब्लम है जी, इसको शादी हो गई, इसको जब बच्चा ये मतलब जब तवल्लुद हो गया ना बच्चा, इस वक्त से आज तक इसका वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। अगर आज से उसको और फिर से वही कंडीशन हो गई, अच्छा जब वो कुछ खाता है जी, तो इसको बार बार मतलब बाहर जाना पड़ता है। ठीक। और मेहरबानी करके हमें इसके मुतालिक बताइए इसको क्या करना चाहिए। और फिर वो जो है ना वो क्या नाम है, दही, दही जब वो पीती है तो ठीक रहती है, मगर इससे उसको इतनी कमजोरी आ गई कि अब इसको ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया बहुत। ठीक जी। देखिए बच्ची के लिए दही उसको बहुत फ़ायदा करती है, और जितना भी वो दही खाती है 100 ग्राम या 50 ग्राम या जितना भी लेती है, उस दही में आप बादाम का गोंद ले लीजिए, आपके यहाँ तो बादाम पैदा होता है, बादाम का गोंद पीस कर रख लीजिए, और 1 ग्राम बादाम का गोंद, 1 ग्राम या 1.5 ग्राम बस इतना ही दे सकते हैं, दही में मिला दिया करिए, और दही में अगर वो शक्कर मिला के या कुछ मिला खाती है तो वो भी मिला सकते हैं। तो ये दही में मिलाकर आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, और मिलाने के 1 घंटे बाद ये बच्ची वो दही खा ले तो उसको ये जो बार बार बाथरूम जाना पड़ता है उसको, तो इस शिकायत में उसको फ़ायदा होना मुमकिन है। एक और कॉलर यहाँ हकीम साहब हमारे साथ हैं हरियाणा से, शीला चावला। फीमेल कॉल्स भी बहुत आ रही हैं यहाँ पर जी। शीला जी बताएं आपको क्या दिक्कत है जी। कमर में दर्द रहता है। एक बार फिर से दोहराएं अपना सवाल। कमर में? कमर में दर्द है और कमर बहुत रहती है। कमर में दर्द है और कब्ज बहुत रहता है। कब्ज रहता है, कब्ज बहुत रहता है, और जो जाते समय वो जो दस में छोटे मास बाहर निकल आता है, उस जगह रुक जाती है या बवासीर है या कुछ है, इससे वो ना। ठीक है जी। अच्छा देखिए दो अलग अलग इलाज करें आप,
दो नुस्खे जात अलग अलग बता रहा हूँ, उसी तरह लीजिए। देखिए, सौंफ, धनिया और मोरिंगा का गौंद, सौंफ, धनिया, मोरिंगा का गौंद और अजवाइन, इन सबको 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह पानी के साथ लें, ज़रूरत पड़े तो रात को भी ले सकते हैं। वैसे एक ही खुराक में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है अक्सर। ये आपके कब्ज़, बवासीर और जो लैट्रिन करते में हिस्सा बाहर आ जाता है और गैस और कब्ज़ के लिए मुफीद है, आप ये लेना शुरू करें, आप ठीक हो सकते हैं। कमर में जो दर्द है उसके लिए गौंद सियाह, काला गौंद, बहुत महंगा आता है, बहुत नकली मिलता है, बहुत कड़वा होता है। इसका आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम दोपहर, आधा ग्राम शाम खाने के बाद आप इस्तेमाल करें, और उससे पहले जो नुस्खा बताया वो खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपके दोनों बीमारियां ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल, काले गोंद के बारे में हकीम साहब बार बार यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, काले गोंद का जिक्र बहुत आ रहा है, उसका तरीका भी बता दिया है कि किस तरह से उसकी पहचान की जा सकती है, क्योंकि बाज़ार में नकली काला गोंद बहुत मिलता है। हकीम साहब, जैसे कि कॉलर्स हमारे साथ लगातार बात कर रहे हैं, अगर मैं पेट की बीमारी की बात करूँ तो आधे से ज़्यादा जो मर्ज हैं वो पेट की बीमारी से होते हैं। पेट से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो लोगों को परेशान करती हैं। कहा है कि पेट उम्मुल इमराज है, यानी बीमारियों की माँ है जी। तो यूनानी इस बात को तस्लीम करती है और जो भी नुस्खेजात देती है उसका ताल्लुक पेट को ठीक करते हुए आपकी बीमारी को फ़ायदा पहुँचाना होता है जी। तो जब तक पेट ठीक नहीं होगा तो आपको दवा कुछ भी कर लें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना मुमकिन नहीं है। तो किसी को भी अगर पेट, कब्ज़, गैस, एसिडिटी, बवासीर ये सब होता है तो ये सब पेट ख़राब होने की या कब्ज़ होने की अलामत है। सबसे पहले पेट ठीक करते हैं जी, और उससे पहले फ़ायदा होना नामुमकिन है। परेशानी आपको क्या है ये बताएं और अपनी उम्र भी बताएं हमें। नसरीन जी, नसरीन बताएं। मेरी स्किन प्रॉब्लम है, मैं हकीम साहब से बात कर रही हूँ जी। बात करें, हकीम साहब मौजूद हैं। स्किन प्रॉब्लम है, क्या होता है आपको? वाले सलाम जी, मैं स्किन प्रॉब्लम है सर 10 साल से। मैं बैजाक पर रहती हूँ, विशाखापट्टनम में जी। नहीं, प्रॉब्लम ये बताइए क्या होता है स्किन पर? मेरे क्या होता है क्या कि मैं स्किन में खुजली होती है, खुजली होती है तो बहुत नोचाता लगता है ना कि बस इसको ही लगा दिया ब्लड आता, फिर उसके बाद फिर रंग अपना बदल दिया, फिर जिलपुट्टी का जैसा आता है, 2-3 साल से जिलपुट्टी का जैसा आता है, रात में ज्यादा होता है। बहुत डॉक्टर से हम दिखाए हैं विशाखापट्टनम में, बहुत डॉक्टर अपना 15-20 डॉक्टर से दिखाए, 5-5 साल दवा खाए एक डॉक्टर का, कुछ फायदा नहीं। दवा खाती है ठीक रहती है, दवा छूट जाती है, बस प्रॉब्लम चालू हो जाती है। ठीक है नसीन, मैं क्यों ना आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊं कि आप चंद रोज या चंद हफ्ते आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो आपको मुकम्मल फ़ायदा हो जाए। तो वो नुस्खा लिख लीजिए आप कि अलसी लीजिए, ऐसे 250-250 ग्राम अलसी ले लीजिए और वो हल्का सा भून कर, बहुत हल्का सा भून कर बाहर निकाल लीजिए, और इस 250 ग्राम अलसी में आपको इसे पाउडर भी बना लीजिए और इसमें 10 ग्राम खाने का सोडा मिला दीजिए और इसमें 100 ग्राम मोरिंगा का गौंद मिला दीजिए पाउडर बनाकर। अगर ये आप शुरू करेंगे तो चंद रोज़ में या चंद हफ्तों में आपकी ये तमाम खुजली की शिकायत और जिन लोगों को चकत्ते पड़ते हैं, निशानात पड़ते हैं, या जिनका रंग बहुत साफ नहीं है या जिनका खून साफ नहीं है, बहुत अच्छा नुस्खा है और चंद दिन में आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।
चलिए, आपको इसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, जो आपके बावर्ची खाने में चीज़ें हैं बस उनको टटोलना है, उन्हें खंगालना है। हकीम साहब ने ख़ुद आपको बता दें कि कौन सी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए, उनसे सेहत याब हुई है और ख़ुद की जो परेशानी है उसको ख़ुद ही सुलझाने की ज़्यादातर कोशिश कीजिए।